ये बहुत शानदार शब्द हैं, ओक भूत भव स्व शब्द सार। ओक, आपने एक शब्द यानी शब्द सुना होगा, ओक से पानी पी ले, या पानी जब पुराने समय में कभी पीते थे और कोई बर्तन पास में नहीं होता था तो कहते थे कि ओक लगा ले, यानी हाथ को ऐसे अगर करेंगे तो ओक बन जाती है, इसको ओक बोलते हैं। मगर पाली में ये ओक नहीं है, ओक का जो मतलब है पानी में, पाली में उसका मतलब है पानी, यानी पानी को ओक भी बोलते हैं। तो ओक माने पानी होता है। और जो एक शब्द है बड़े कमाल का, ओक भूत भव स्वह, यानी ओक भूत भव स्वह, ये जो शब्द है ये बड़ा एक मंत्र यानी कि एक ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा शब्द रहा है जिसको लोगों ने बार बार याद किया है, और प्रकृति के रूप में वो कहते हैं ओक भूत भव स्वय। ओक माने पानी हो गया, भूत का जो मतलब है वो होता है पास्ट, यानी कि भूतकाल। भूतकाल का मतलब है जो समय बीत गया उसको भूतकाल बोलते हैं पाली में, कहते हैं उस बात का भूत पीछा नहीं छोड़ रहा, यानी कि वो बात जो चली गई है पास्ट में है वो पीछा नहीं छोड़ रही है। और भव का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, यानी कि जो प्रेजेंट में है एग्जिस्टेंस है उसको भव बोलते हैं। भव माने वैसे होना भी होता है, मगर यहाँ इसका मतलब है एग्जिस्टेंस यानी प्रेजेंस। और स्वय का मतलब होता है फ्यूचर, यानी जो फ्यूचर में चीज़ें घटती हैं उनको स्वय बोलते हैं, यानी आने वाला कल। तो देखिए पुराने समय में, पाली के समय में भी इस बात की बहुत ज़्यादा लोग जानकार थे प्रकृति के, कि पानी ही आज है कल है और आने वाला कल है, यानी कि ओक भूत भव स्वय, पानी ही बीता हुआ कल है, पानी ही प्रेजेंट है और पानी ही आने वाला फ्यूचर है, इसको जगह जगह बोला जाता था। इसलिए आप भी ध्यान रखिए और पाली के इस पूरे वाक्य को जगह जगह लोगों को बताइए और समझाइए। आज की डेट में हम इसको कहते हैं जल ही जीवन है, और उस समय हम कहते थे ओक भूत भव स्वह, ओक भूत भव स्वह, ये बहुत शानदार शब्द हैं, ओक भूत भव स्वह, ओक भूत भव स्वह, यानी कि पानी ही पास्ट है, पानी ही प्रेजेंट है और पानी ही फ्यूचर है, पानी कल, पानी आज, पानी कल, आने वाला कल। धन्यवाद।